नमस्कार ईश्वंत। ईश्वंत, आपके प्री बोर्ड शायद स्टार्ट हो गए होंगे या बहुत सी जगह स्टार्ट होने वाले हैं। आपकी तैयारी में समझता हूँ बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी और मैं भी आपकी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के 100% नंबर आ सकें जो ईश्वंत मेरे से जुड़े हुए हैं। पूरी कोशिश है कि आपके नंबर बहुत अच्छे हैं। आज मैं आपके पास कुछ डिस्कस करूँगा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने की कोशिश करूंगा, इस पर कंसेप्ट कैसे काम करता है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करे जाएंगे, और उसके बाद मैं आपको चार क्वेश्चन दूंगा, इन फोर क्वेश्चनों को सॉल्व करने का जरूर कोशिश करिएगा। आपको ये बता दूं कि ट्रिगोमेट्री और एप्लीकेशन ट्रिगोमेट्री ये आपके बोर्ड में 12 मार्क्स की आएगी। बोर्ड में क्वेश्चन किस तरह के बन सकते हैं? क्वेश्चन बन सकते हैं कि चैप्टर 8 जो आपकी ट्रिगोमेट्री है उसमें से जो क्वेश्चन आएंगे वो 3 क्वेश्चन एक एक नंबर के आएंगे, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, और चैप्टर 9 से जिसे आप एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री कह रहे हैं, हाइट एंड डिस्टेंस कह रहे हैं, उससे एक क्वेश्चन जो है 4 नंबर का आएगा। इस तरह से 12 नंबर का चैप्टर 8 और चैप्टर 9 से जो क्वेश्चन आएंगे 12 मार्क्स के आएंगे। मैं समझता हूँ इन क्वेश्चनों को आप बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो। हाइट एंड डिस्टेंस जो 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, एप्लीकेशन ट्रिगोनोमेट्री से जो 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन में जितने भी किस तरह की लैंग्वेज आएंगी उनमें ध्यान रखना 2 राइट ट्रायंगल बनेंगे, ठीक है? 2 राइट ट्रायंगल बिल्कुल बहुत अच्छे से। मान लेता हूं आपको यहां पर कोई वर्टिकल टावर दे रखा है, ठीक है ना? राइट, ये वर्टिकल टावर होने का मतलब है ग्राउंड से ये एंगल 90 डिग्री बनाएगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा जिसमें ये वर्टिकल टावर किसी एंगल पर होगा। ऐसा क्वेश्चन आपके 10th लेवल पर क्रिएट नहीं होगा। अब वो कहेगा कि यहां से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन, यहां से इसके टॉप को देखते हैं तब एंगल ऑफ एलिवेशन वो कहेगा कि ये बनता है, ठीक है? और इसके 10 मीटर बाद जाने पर यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो ये क्रिएट होता है, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा यहां पर जो टावर के पास में जो एंगल है वो हमेशा बड़ा होगा और टावर के जो दूर एंगल है वो हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। और यहां पर जो एंगल आएंगे वो ध्यान रखिए या तो वो 30 डिग्री होगा या 60 डिग्री या 45 डिग्री। ज्यादा संभावना यहां पर यह है कि ये जो 2 एंगल होंगे उनमें एक 30 डिग्री और एक 60 डिग्री आएगा। और जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो सभी क्वेश्चंस जो हैं 2 राइट ट्रायंगल क्रिएट करेंगे। मान लेता हूं ये एंगल 60 डिग्री है और ये आपके पास 30 डिग्री है। हो सकता है आपको ये लेंथ दे रखी हो या हो सकता है इसकी हाइट दे रखी हो, तब आपसे पूछा या बताओ इन दोनों की डिस्टेंस क्या है। दो ऑब्जेक्ट हैं, यहाँ से इन दो जगह से जब इसके टॉप को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री और 30 डिग्री बनता है, बताइए इनकी बीच की लेंथ क्या है, ठीक है? वो आपसे ये पूछ सकता है बताइए हाइट क्या है, वो आपसे ये पूछ सकता है कि यहाँ से यहाँ तक लेंथ क्या है, राइट? क्वेश्चन इस तरह का भी बन सकता है कि आपके पास ये कोई टेम्पल है, इसके ऊपर एक फ्लैग लगा हुआ है, ठीक है? इस तरह से वो कह रहा है कि यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बनाते हैं और इसके टॉप पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, ध्यान रखिए ये एंगल ज़्यादा होगा और ये एंगल क्या होगा, छोटा होगा। मान लेता हूँ ये एंगल पूरा 60 डिग्री का है और ये एंगल 45 डिग्री का है और कह रहा है कि यहाँ से आते कि डिस्टेंस जो है 100 मीटर है, बताइए इस फ्लैग स्टंप की हाइट कितनी है, ठीक है? क्वेश्चन इस तरह कहूंगी, यहां पर भी 2 राइट ट्रायंगल क्रिएट हो रहे हैं और यहां पर भी 2 राइट ट्रायंगल क्रिएट हो रहे हैं। जितने भी आपके, ठीक है, 10th लेवल में क्वेश्चन बनेंगे एप्लीकेशन ट्रिगोनोमेट्री पर, हाइट एंड डिस्टेंस पर, उसमें 2 राइट ट्रायंगल्स क्रिएट होंगे और 2 राइट ट्रायंगल क्रिएट होंगे, उनसे जो कुछ पूछ रहा है आप उसे बहुत इजी तरह से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन को बार बार पढ़ें, लिखने में गलती बिल्कुल ना करें। इस बात का ध्यान रखें कि इस टावर के पास में जो एंगल है उस पर एंगल बड़ा बनेगा और इससे दूर जो होगा वो एंगल क्या बनेगा, छोटा बनेगा, ठीक है? मान के चलता हूं कि ये चीज आपके पास h है और यहां से आपके पास x है और ये मान लेता हूं आपको 100 मीटर के बने। अब कहता है बताइए इस हाइट, इस टावर की बिल्डिंग सॉरी हाइट क्या होगी, ठीक है? या पूछ सकता है कि बताइए यहां से यहां तक x कितना होगा, ये डिस्टेंस कितनी होगी। तो इनके लिए क्या देखें कि 2 राइट ट्रायंगल कहां पर बनना है। पहले आप ये कोशिश करें कि जो मैंने फिगर बनाया है वो प्रॉपर बनाया नहीं बनाया है, और जो फिगर बनाया है उसमें 2 राइट ट्रायंगल कहां पर क्रिएट हो रहा है। आप इसका बहुत आराम से कर सकते हो, मैं समझता हूं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए। यहां पर एक ट्रायंगल बनना है आपके पास ए बी सी और डी, एक ट्रायंगल बनना है इन ट्रायंगल ए बी सी, ये होगा आपके पास एच अपॉन एक्स। देखिए आप इस एंगल को ले रहे हो तो इसके सामने जो लेंथ है, आपने ये एंगल लिया तो इसके सामने जो लेंथ है इसे अपन परपेंडिकुलर कहेंगे। ये 90 डिग्री है, इसके सामने हाइपोटेनस होगा तो बाकी जो लेंथ है उसे हम बेस कहेंगे। तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस cos, सॉरी tan। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan। तो कितना बन जाएगा, tan एंगल क्या आएगा यहां पर 60 डिग्री।
तो आप कह सकते हो कि एच अपॉन एक्स जो है 1060 कितना होता है, रूट थ्री होता है, ठीक है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एच अपॉन एक्स कितना हो जाएगा, रूट थ्री इंटू एक्स हो जाएगा। तो आपके पास एक रिलेशन ये क्रिएट हो गया। अब आपने एक ट्राइंगल बन गया सर हमारे लिए, क्या एबीसी का राइट ट्राइंगल हमने ले लिया, अब इसमें दूसरा राइट ट्राइंगल कहां पर बन रहा है, दूसरा ट्राइंगल बनना है आपके पास ए बी और डी में, इन ट्राइंगल ए बी और डी में, ठीक है। इसको ध्यान रखिए, इस तरह के आप बहुत सारे क्वेश्चन देखना चाहते हो तो नीचे लिंक अवेलेबल है, चाहे तो आप मेरी प्लेलिस्ट पर जा सकते हो, उसमें मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करा रखे हैं। या इस चैप्टर 9 पर आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना चाह रहे हो जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जो डिफरेंट बुक से हैं, तो मैंने आपके चैप्टर वाइज एक सीरीज क्रिएट करी है। चैप्टर वाइज मैंने आपके लिए क्वेश्चंस तैयार करे हैं किस चैप्टर में से इस साल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। एक रेंज क्रिएट करिए, यदि आप उन क्वेश्चनों को कर लेते हो और मेरे जो सैंपल पेपर हैं आप उनको कर लेते हो, तो मैं समझता हूँ आप निश्चित ही 100% मार्क्स ला सकते हो। मेरे क्वेश्चन करने के बाद, मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ उनको करने के बाद बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, आप इसे बहुत आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। यदि आप देखना चाहते हो तो नीचे लिंक अवेलेबल है, आप मेरे ऐप पर जा सकते हो, वेबसाइट पर जा सकते हो, उसमें ये प्रोडक्ट थोड़े से पैसे का है, उतना पैसा खर्च करके मैं समझता हूँ आप आराम से उस प्रोडक्ट को खरीद सकते हो, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है, जरूर करिए यदि आपकी इच्छा हो तो। अब आप यहाँ पर देख लीजिए, एक ट्राइंगल आपके पास क्या बनना है, ए बी और डी बनना है, तो आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो कि एच अपॉन एक्स प्लस 100, भाई आपको ये पूरी लेंथ रहेंगे, है ना। तो आपके पास क्या एंगल बनेगा, ये बनेगा, ध्यान रखिए ये एंगल आप ये ले रहे हैं तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर होगा और ये चीज पूरी क्या होगी, हमारे पास बेस होगी। तो हम क्या करेंगे, एच अपॉन एक्स प्लस 100 इक्वल टू क्या आएगा, 10-30 डिग्री आएगा। तो एच अपॉन एक्स प्लस 100 और 10-30 होता है 1/√3। इसको यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स प्लस 100 इक्वल टू आ जाएगा एच रूट 3, ठीक है। अब आप इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व कर कर आप एच और एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। मैं समझता हूँ मेरी बात आप समझ गए होंगे कि जितने भी क्वेश्चंस क्रिएट होंगे उनमें दो राइट ट्रायंगल क्रिएट होंगे सर, ठीक है। और दो राइट ट्रायंगल क्रिएट होंगे उनमें से कौन सी चीज़ अननोन है, हो सकता है इनमें से कुछ चीज़ गिवन हो, हो सकता है आपको ये दे रखा हो तो आपको ये और ये पूछता, ठीक है। तो मान लेता हूँ एक्स माना तो इसे मैं बाई मान लेता। कहने का मतलब है दो राइट ट्रायंगल बनेंगे, उनमें रिलेशन क्रिएट करिए, दो इक्वेशन बनेंगी और दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके आप दो वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हो। मैं आपको जो क्वेश्चन दे रहा हूँ उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने की जरूर कोशिश करें। यदि आपसे नहीं आ रहे हैं तो जरा सॉल्यूशन के लिए आप नीचे लिंक में दे रखें, उन लिंक पर जाकर आप अपनी सॉल्यूशन को आराम से देख सकते हो। मेरे कहने से इस तरह के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आप जरूर करें, जरूर करेंगे, मूल विश्वास है कि आप ऐसा काम जरूर करेंगे। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और जो क्वेश्चन दे रहा हूँ उनको सॉल्व करने की पूरी ईमानदारी से कोशिश करें। यहाँ पर मैंने 3 क्वेश्चन आपको दे दिए हैं, इन 3 क्वेश्चनों को सॉल्व करने की जरूर कोशिश करें और इसके आंसर को निश्चित ही कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश करें जिससे आपको कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा। स्टूडेंट्स, मेरे सैम्पल पेपर आप इसलिए देखें, एक बात और बता दूँ कि उनके सॉल्यूशन जो है वो वीडियो फॉर्मेट में है। यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उस कंसेप्ट को आप बहुत अच्छी तरह से देख सकते हो, मैंने वीडियो में आपको क्या समझाया है, वहाँ पर मैंने हर चीज़ को बहुत अच्छी तरह समझाने की कोशिश करी है। आपके मार्केट में जो सैंपल पेपर हैं वो टेक्स्ट फॉर्मेट में आते हैं केवल, और मैंने जो सॉल्यूशन दिए हैं आपको 10 सैंपल पेपर के और चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन आप लिखे मैंने रखे हैं उनके सभी के सॉल्यूशन जो है वीडियो फॉर्मेट में हैं। आप चाहें तो एक बार जाके जरूर देखें। मैं समझता हूँ इतना करने पर आप 100% मार्क्स आ सकते हो। आप अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।